मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम्स ड्यू टू मोबाइल आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटालिक बॉन्ड मेटल एटम्स के दरमियान फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। इन केस ऑफ मेटल्स द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज वीक। मेटल्स में न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पकड़ और गिरफ्त बहुत कमज़ोर होती है क्योंकि मेटल के एटम्स का साइज बहुत बड़ा होता है एंड ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान में बहुत सारे शेल्स इन्वॉल्व होते हैं। यही वजह है कि मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल वीक होता है, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है। यही वजह है कि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर शो करते हैं। दीज लूज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल मेटल एटम्स मूव फ्रीली इन द स्पेसिस बिटवीन एटम्स ऑफ अ मेटल। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल एटम्स के दरमियान फ्रीली मूव कर रहे होते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे ये एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स का एक समुंदर बना रहे होते हैं जिसमें मेटल के एटम्स सबमर्ज्ड होते हैं, यानी तैर रहे होते हैं। न्यूक्लियाई ऑफ मेटल एटम्स अपीयर सबमर्ज्ड इन सी ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटम्स ऑफ मेटल्स टुगेदर फॉर्मिंग अ मेटालिक बॉन्ड। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के एटम्स को आपस में जोड़े रखते हैं और एक बॉन्ड बनता है जिसे मेटालिक बॉन्ड कहते हैं।